देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कालाढूंगी से है। कालाढूंगी टिकट न मिलने पर बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट अपना नामांकन वापस लेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष गजराज बिष्ट को मनाने के लिए पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत गजराज बिष्ट के आवास पहुंचे और उनको कालाढूंगी सीट पर अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और भाजपा के बागी नेता गजराज बिष्ट के बीच बातचीत चली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने गजराज बिष्ट से चुनाव न लड़ने की आग्रह किया, जिसके बाद उनके आग्रह को स्वीकारते हुए गजराज बिष्ट ने अपना नामांकन वापस लेने की बात कही है और अब माना जा रहा है कि वह अपना नामांकन वापस लेंगे। शनिवार को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गजराज बिष्ट ने पार्टी द्वारा सौतेला व्यवहार नफरत करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र के दखल के बाद वह सोमवार को अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। हाँ जी भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल इतना ही कहना है और मुझे बाकी कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। तो नाराजगी दूर हो गई अब भाजपा के साथ? कुछ मुझे कुछ नहीं कहना भैया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मंडी परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे, हम सब उनको बहुत लंबे समय से उनके योगदान को जानते हैं। उन्होंने नामांकन किया है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाढूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंसीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया और पार्टी के हित में उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपना नाम वापस लेंगे।